तेरा साथ रहता है ना तो मुझे बड़ा मजा आता है। कोई ना कोई बात तेरे कान में पड़ी जाती है। अभी उसी दिन तो अगर नहीं होता तो मुझे बहुत गालियां पड़ती थी। बाचू बिच्छू मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते। अभी क्या कर रहे हो बाटुल भैया, मैं ऐसा भी क्या करता हूँ? आप ही तो मुझे हमेशा बचा देते हैं। मैं सिर्फ अपने कान खड़े कर आपको सारी खबरें देता हूँ बस। देख रहा है बिच्छू, बाटुल भैया फिर से लंबकर्ण को साथ लेकर निकले हैं। उफ, ये दोनों अगर साथ रहे ना बेटा तो हम दोनों इन दोनों को कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। इन दोनों को अलग करना ही पड़ेगा। ठीक कहा गुरु, तो पहले इस बड़े कान वाले को भगाते हैं, उसके बाद बाटुल की अकल ठिकाने लगाते हैं। बाटुल भैया, मुझे ना बाचू बिच्छू की आवाज सुनाई दे रही है। वो लोग जरूर कहीं आसपास ही हैं। आप ना सावधान रहना। अरे नहीं नहीं, तुझे इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे परेशान करना उनके बस की बात नहीं है। लंबकर्ण भैया, ओ लंबकर्ण भैया, अभी खबर मिली है कि आपके लिए एक टेलीग्राम आया है। आपको शहर जाना पड़ेगा, फुटबॉल टूर्नामेंट में आपके रेफरी बनना पड़ेगा। क्लब सेक्रेटरी आपको ढूंढ रहा है, आप जल्दी दौड़कर आइए। क्या कह रहे हो? कुछ भी, मुझे रेफरी? नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हे, तुम लोगों ने ठीक से सुना है कि नहीं? क्या कह रहे हो लंबकर्ण? ऐसा एक ऑफर आया और तुम्हारे लिए और तुम हो कि विश्वास नहीं कर रहे। जा जा जल्दी जा। बाबा बाचू, तुम लोगों ने क्या तो लंबकर्ण पर उपकार किया है। नहीं नहीं, मैं तो खामखाई तुम लोगों पर हमेशा संदेह करता हूँ। ये लो, तुम दोनों लॉलीपॉप खाओ। बक्से पर किल क्यों ठोक रहा है दोस्त? देखते जाओ, अब मैं बाटुल को कैसे मजा चखाता हूँ। ये भी कोई कहने की बात है गुरु, तुम्हारे प्लान का कोई जवाब नहीं है। सुनो सुनो बाटुल भैया, अरे सुनो तो, ये छोटा सा बक्सा देख रहे हो ना, इसको जरा उठा के दिखाना, उठा सकते हो या नहीं? जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो देखो, मैं उठा कर दिखाता हूँ। ये क्या हुआ? खींचना थोड़ा ज्यादा ही जोर से हो गया ना, तुम लोगों को थोड़ी तकलीफ दे दी। कुछ सोचना मत भाई। अरे मर गया रे, रास्ते का टुकड़ा समेत बाटुल भैया ने हम लोगों को उठा के गिरा दिया। अरे बाप रे, बाटुल भैया, तुम लोग छोटी छोटी बातों पर मुझसे मजाक करते हो। जाओ कर जाओ। पेड़ के साथ इस रस्सी को अच्छे से बांध देता हूँ, उसके बाद टग ऑफ वॉर में देखना कैसे बाटुल भैया को हराता हूँ। इस दीवार की छेद में से रस्सी को निकाल देता हूँ। क्या कहते हो बाचू? गुरु, गुरु, तुम्हारा जवाब नहीं। बाटुल भैया, मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि इस रस्सी को खींचने में आप मुझसे नहीं जीत सकते। क्यों झूठ मूठ ये सब कर रहा है? अच्छे बच्चे की तरह रहो ना, ठीक रहोगे। जाओ जाओ। ए बिच्छू, ये बाटुल भैया तुमसे डर गए हैं, इसलिए टग ऑफ वॉर में तुझसे लड़ना नहीं चाहते। छोड़ दो ना गुरु, माफ कर दो ना बाटुल भैया को। माफी नहीं, माफी नहीं है बाटुल भैया, आप भी आखिरकार हारी पार्टी बन ही गए। भैया बुलाने में शर्म आ रही है। छी 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 छी। अब बताता हूँ, रुक देख मैं क्या करता हूँ। तुम मेरे गुरु तो हो, पर बाटुल भैया से एक के बाद एक मात खा रहे हो। इसके बाद मैं तुम्हें गुरु नहीं मान पाऊंगा। तुम चुप रहो तो मैं मर रहा हूँ, मेरे सर पर आलू निकल आया है और तुम बकबक कर रहा है। चुप बैठ,
रुक, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, अब बाटुल को बात देकर रहूंगा। अरे बाबा रे गुरु, माथे में आलू के बाद अब तरबूज ना उग जाए। धीरे वत्स, धीरे, सब्र का फल मीठा होता है। अब तैयार करूंगा एक फंदा, उसके बाद देखना होता है क्या। बाटुल भैया, ये आकाश उड़ने वाला यान देख रहे हैं ना, ये आपके अलावा किसी पर भी शोभा नहीं देगा। इसमें आप जरा बैठकर देखिए ना, देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। आकाश में आप घूम रहे होंगे और पृथ्वी दिखेगा बहुत सुंदर। आप पक्षियों की तरह जहां तहां उड़ रहे होंगे। तुम्हारी उसमें कोई शैतानी तो नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ बदमाशी घूमती है। नहीं नहीं बाटुल भैया, हम लोग बहुत अच्छे लड़के बन गए, हमारी कोई बदमाशी नहीं है। एक बार चढ़ के तो देखिए, फिर पता चलेगा। क्या कहते हुजूर? ठीक कहा। चलो ठीक है, मैं चढ़कर बैठ ही जाता हूँ, देखिए ना, लेकिन ध्यान रहे कोई दुर्घटना ना घट जाए। बाटुल भैया, बलून में उड़ना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मस्त। तुम लोग धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हो, ये तो रोंगटे खड़े करने का मामला है। हाँ, पता लगेगा भाई, पता लगेगा। और थोड़ा ऊपर जाओ, फिर पता लगेगा कि रोंगटे खड़े होते हैं या सिकुड़ जाते हो। और ऊपर जाइए बाटुल भैया, देखिएगा ठंड की वजह से सिकुड़ जाओगे। नहीं नहीं बाटू, अब देर मत कर, अब तीर धनुष निकाल और छेद कर दे, भेद खोल दे। बाटुल बलून के साथ नीचे गिर पड़ेगा, बाटुल को हम रोलर बनाएंगे, और कोई चिंता नहीं है बाटू। दोनों तीरों ने लक्ष्य भेद दिया है, अब तो बैलून फुस बाटुल पूरी तेजी से नीचे आ रहा है। अरे इतने ऊपर से गिरा, पर लगा जैसे किसी गद्दे पर से गिरा हूँ। नाना लौंडे दोनों कहाँ गए, ढूंढना पड़ेगा। क्या हुआ, उन दोनों ने मेरा आकाश में उड़ने का इतना अच्छा प्रबंध किया था और मैं ठीक से उड़ भी नहीं पाया। नहीं नहीं, मुझसे ही कोई गलती हुई है। अरे बाटुल भैया, ये क्या हुआ? अरे तुम लोग ऐसे पिचक कैसे गए? किसी ने रोलर चला दिया लगता है। रुको रुको, मैं तुम लोगों को हिला देता हूँ, हवा घुसेगी तो ठीक हो जाओगे। बहुत हो गया बाटुल भैया, आप अब हम पर ज्यादा उपकार करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो अब हम और मरेंगे, बिल्कुल बचेंगे नहीं। ठीक है, जब मदद ही लेना नहीं चाहते तो मैं चलता हूँ। आकाश में भ्रमण करवाने के लिए तुम लोगों को बहुत सारा प्यार। हट, अब अच्छा नहीं लगता। जितनी बार हम बाटुल भैया को मजा चखाने जाते हैं, वो हमें ही मजा चखा देते हैं। हट जा, हट जा बाचू। हट हट, अरे हट रे बाचू, हट हट, अरे बाचू।